अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो देखें, अभी सुबह का वक्त हो रहा है और टाइम इस वक्त 7 बज रहे हैं। अभी हमारा कोई काम वाम भी नहीं हुआ है, देर से शुरू करते हैं। और ये देखें, गली में बेल उगी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें, तार में लगाई हुई है उन्होंने, काफ़ी अच्छी लगती हैं पौधे वगैरह ना बाहर। देखते हैं वो बाहर क्या कर रहे हैं। मम्मा हमारी तो नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, जब नाश्ता कर लेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। मेरी अंदर आ गई है, बाहर ज़्यादा रहती नहीं है, आदत नहीं है इसको, रूम में ही रहती है। बाहर जाएगी भी ना तो पानी वानी पीने जाती है और वापस फिर आ जाती है। ये हमारे घर की सबसे छोटी गेट है, अब बड़ी हो गई है, अब बड़ी हो गई है। लिली ने खाना खा लिया है, सब ने खाना खा लिया है। अभी ये लोग यहाँ पर चढ़ी नहीं थी, यहाँ पर बाहर कबूतरों को देख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ चेयर रख दी थी ताकि ये इनको ना ऊंची छलांग लगाने की आदत नहीं है, तो ना इनकी ना टांगों में दर्द हो जाता है, चला नहीं जाता, फिर लंगड़ा लंगड़ा के चलती हैं, है ना लिली, आपसे नहीं चढ़ा जाता ना ऊपर, तो इसलिए मैंने ये चेयर रख दी थी ताकि ये आराम से स्टेप बाय स्टेप उतर जाए।
चेयर यहाँ रख दे है ना लीली, रख दूँ ना चेयर? लीली चेयर रख दूँ? बस रख दिया अभी इन्होंने, बाहर देख लिया जितना देखना। तो ये इसने खाना नहीं खाया, ये पता नहीं क्यों कम खाना खा रही है हमारी चेरी। आजकल ये खा ही नहीं रही है सही से। यहाँ हमारी बिल्ली बैठी हुई है बाहर वाली बिल्ली के साथ। लीली कहाँ जाना है आप? ड्राइंग रूम में जाना है? ड्राइंग रूम तो नहीं खुलेगा, वहाँ ब्लैक ही सो रहा है ना। ये बोलिए कि ये ड्राइंग रूम खोलो, और ये भी आ गई सूजी। सूजी भी बोलिए खोल दो ड्राइंग रूम। नहीं खुलेगा ना, सो रहे हैं, ब्लैक ही सो रहा है ना, ब्लैक ही सो रहा है अभी तक। सूजी आप भी अंदर नहीं जाओगी, जब ब्लैक ही उठ जाएगा ना फिर इन लोगों को मैं अंदर डाल दूँगी, क्योंकि वो किसी के साथ भी नहीं सोता है, वो अकेले, उसको सोने की आदत है। ये माम, ये मिली जो है ना, मैं बहुत तंग कर रही है, म्याऊं म्याऊं करती रहती है मिली। अभी वहाँ जो है भाई लोगों की भी छुट्टी है, तो क्या वहाँ भी ये सोती हैं लीली और सूजी, शौक से सोती है। वहाँ भी नहीं सुला सकते क्योंकि वो सो रहे हैं वो लोग, तो ये लोग म्याऊं म्याऊं करती हैं तो इसलिए वो डिस्टर्ब होते हैं। हमारे पौधे माशाल्लाह से ग्रो अच्छी कर रहे हैं, हम भी बहुत ख्याल रखती हैं इनका, पौधों का। मेरी चाय बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, मैं बिल्कुल नॉर्मल चाय पीती हूँ, गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं पी जाती, बिल्कुल नॉर्मल करती हूँ, तो हाथ के हाथ पी भी लेती हूँ जल्दी से। ये माच से देखें कितनी ख़राब आ रही है हमारी, इतनी क्यों पूरे बंडल सारे ख़राब हो रहे हैं जल्द से, ये आधी आधी रह जाती हैं, और ना ये जो इनका ये है ना ये ख़राब हो जाता है। फिर ये नई वाली निकाली है, इसके साथ इसकी तीलियाँ जो हैं कुछ इससे जला रहे हैं, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। सूजी माँ ये बोलिए अभी मुझे ड्राइंग रूम में या उस कमरे में सुला दो, पर दोनों कमरों में हैं सब, इसलिए नहीं सुला सकती आपको सूजी, है ना। हाँ ये बोल रही है मुझे खोल दो ड्राइंग रूम खोल दो या वो वाला कमरा खोल दो ताकि मैं सो जाऊँ। कहाँ ऊपर छोड़ोगी सूजी? हम लोग कुछ सामान लेने गई हुई हैं, वह छोटी बहन भी गई हुई है मामा के साथ, सामान लेके आएंगी वो, फिर सामान रखेंगे, फिर उसके बाद सीटी वगैरह भी चलेगी, अभी चलने वाली है सीटी भी हमारी, फिर उसके बाद हम पानी भरेंगे। लीली तो हमारी यहाँ सो गई, बोले कोई बात नहीं दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं यहाँ सो जाऊँगी, है ना लीली, आप यहाँ सो गई हो। सूजी जाग रही है क्योंकि इसको ज़्यादातर कमरे में ही सोने की आदत है, ये सोती ही नहीं है बाहर ना हमारे कमरे में, ज़्यादा सोती है सिर्फ हमारे कमरे में रात में सोती है। ये बोलिए खोल दो दरवाज़ा, ये मुझे ले जा रही है, बोल रही है दरवाज़ा खोल दो, है ना सूजी। गई की देखें, ये भी बोलती है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल, चाय तो दे दो, दे रही हूँ चाय, नहीं खुलेगा ना, ब्लैक ही सो रहा है। ये देखें आज हमारी सूजी यहाँ, हमने इसको घर बना के दिया है, तो ये यहाँ सो रही है, इसलिए यहाँ घर बना के दिया है कि वो बच्चों की छुट्टी है तो वो अपने कमरे में ही है, और वो ये वहीं पे ही सोती है, तो इसलिए अभी वो तो सो रहे हैं तो जल्दी उठेंगे नहीं, तो इसलिए आज मैंने इनको यहीं बना के दे दिया घर, ताकि आराम से यहाँ सुकून से सो सके, नहीं तो फिर ये तंग कर रही थी कि अंदर जाना है अंदर जाना है कमरे में, तो अब कमरा तो खोल नहीं सकते, बच्चे सो रहे हैं, तो इसलिए अभी फिर ये अब यहाँ पे है, और दूसरी बिल्ली है मेरी वहाँ पे, ये सूजी सो रही है, और वहाँ पे चेरी लीली, और ये देखें चेरी, ये भी इसका भी यही हाल है, ये भी जाना चाह रही है वहाँ, ये भी वहीं जाना चाह रही है कि वहीं सोऊंगी मैं कमरे में, ये कमरे में आदत है इन लोगों की, देखिए किस किस तरह से ये जो है ना ये करती है, ये फाड़ती हैं गद्दियाँ, देखो कुर्सियों का सत्यानाश किया हुआ है इन लोगों ने, ये देखें, ये बस ये हाल है। देखिए हमारा आटा आया है, आटा लेके आई थी आज मैं, ये देखें अभी भी कह रही है कि मुझे वहीं जाना है कमरे में, ब्रेक ही तो नहीं अंदर, ब्रेक ही बंद है अभी, सो रहा है। देखिए हमारी बेल ग्रो कर रही है, दुआ करें हमारा चैनल भी इसी तरह से ग्रो करे, क्योंकि किचन बिल्कुल हमारा साफ़ सुथरा रखा हुआ है बच्चियों ने,
बर्तन वर्तन धो लिए थे, सब सफाई कर ली थी। देखें हमारा ब्लैक ही रो रहा है। वो कह रहा खोलो दरवाज़ा, और उसका दरवाज़ा खोलें। ये देखें निकला, ये देखें जा रहा है। ये कहता है मुझे बाहर निकालो। अब ये जा रही है अंदर, ये कह रही है मुझे यहाँ सोना है। और यहाँ पे और भी कोई सो रहा होगा लाजमी। नहीं अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये देखें ब्लैकी नीचे चला गया। क्या सी आई डी मैंने लगाई थी, मुझे बहुत शौक है। इंडिया के ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे लगते हैं, इंडिया के भी बहुत अच्छे लगते हैं, और चाइना के भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आज हमारे यहाँ पे ये आलू गोभी आज हम बना रहे हैं। अभी काट रही है ये बेटी मेरी, काट लेगी तो फिर यही बनाती है सालन। और बाकी बस देखें अभी क्या करते हैं। ये देखें इनको यहाँ डाल दिए। ये देखें अब ये देख रही है कि यहाँ सो रही है सूजी, तो मैं यहाँ सोऊं कि नहीं सोऊं। और देखें मौसम कैसा प्यारा हो रहा है बाहर का, कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। हवा चल रही है, ठंडा मौसम बना हुआ है, बहुत प्यारा। धूप तो निकली है, बहुत धूप कम निकलती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का एहसान है उसको कि गर्मी है ज़्यादा नहीं पड़ी। माशाल्लाह ठंडे ही मौसम है, और माशाल्लाह रोज़े भी अच्छे गुजरे, और मुहर्रम भी अच्छे गुजरे, अगस्त भी अच्छी गुजर गई, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये देखें हमारे तोते दोनों बैठे हुए हैं, माँ बैक साइड है। तो देखें इनका घर बन चुका है, ये देखें इनका घर बन गया है। बस अपनी घर के अंदर की इनकी इनका पलस्तर वगैरह हो रहा है। और यह हमारा स्टोर है, जो ये देखें टंकी वगैरह हमारी यहाँ रखी हुई है, हमने ये सिस्टम किया हुआ है टंकी का, तो यहाँ से पानी आता है। देखें लीकेज भी थोड़ी है हमारे घर में। ये देखें ये हम यहाँ से ही पानी भर लेते हैं, हमारे ड्रम भर जाते हैं। और ऊपर भी एक टंकी रखी है जो आपको दिखाई है कितनी बार। इसी तरह से घर की क्लीन चलती रहती है हमारी। ये देखें चेरी को बार बार लेके आ रहे हैं, लेकिन चेरी अंदर जाने का नाम नहीं ले रही है, कह रही है मुझे तो कमरे में ही सोना है, उसको कमरे में सोना है। ये देखें इसके लिए कोई सा भी कमरा खोल दें, और ये हमारे कमरे में सोती ही नहीं है, रात को ही बहुत मुश्किलों से सोती है। ये देखें जा रही है नीचे, आवाज़ जाएगी वहाँ के कि कमरा खोलो मुझे कमरे में जाना है। मैंने सालन चढ़ा लिया था, मैं सालन चेक करने जा रही हूँ, पक गया है नहीं। ये दोनों यहाँ पे खेल रही हैं। और देखें कल का हमारा सालन भी अभी बचा हुआ है, इसमें आलू मुर्गी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें आलू मुर्गी रखा है, और इधर मेरी हांडी चढ़ी हुई है, इसमें बनाया है आज हमने आलू गोभी। अभी मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि आलू गोभी गला है या नहीं। अभी जो है ना गोभी तो बिल्कुल हलवा हो गई है, लेकिन आलू जो है अभी गले नहीं है, तो अभी इसमें सरसरा पानी भी है। अभी मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है, बूंदों पे रख दिया है सालन को, ताकि आलू भी गल जाए जो आलू में कसर है। और इधर मैंने बिल्लियों का चिकन भी चढ़ा दिया है आज, पहले ही हांडी के साथ ये रात का। और इसमें देखें पानी कम हो गया, क्योंकि मैं आंच हल्की करना भूल गई थी, इसमें मैं पानी डाल के चढ़ा देती हूँ हल्की आंच पे। बाकी मैंने पूरा किचन देखें समेटा हुआ है, बस ये मैंने हांडी चढ़ाई है, तो ये कचरा मैंने बस यहाँ से नहीं उठाना, बस बाकी सारे बर्तन धुले हैं, और ये बस बोतलें भर के रखनी है।
चिकन में मैं अभी पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। और डालना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैं आज हल्की करना भूल गई थी ना, तो पूरा पानी सूख गया है चिकन का। अब सही है, अब बस मैं ढक्कन ढक देती हूँ इसका। ढक्कन ढक दिया और अब मैं आँच हल्की कर देती हूँ इसकी। आँच हल्की करके मैंने चढ़ा दिए चिकन, और चेरी भी देखें आके बैठ गई है। चेरी क्या कर रही हो, बोलने की बैठी भी हो, खिलाऊँ आपको बोल से। और मिली को देखते हैं, मिली क्या कर रही है। अरे सूजी भी यहाँ पे जी बाहर देख रही है, ये बाहर कौन आया। और मिली को देखें, मिली कहाँ बैठी है, ये बैठी हुई मिली। सुनती भी है ये हमारी मिली, प्यारी सी मिली। ये बाहर वाली बिल्ली है देखें, इसके अभी थोड़े से किटन जो है ना बड़े हो जाएंगे ना इस वाली के, तो फिर हम छत पे जाके आपको दिखाएंगे। और इस वाली के तो बड़े हो गए थे, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए। मिली क्या हो गया, बाहर की बिल्लियों को आपने दोस्त बनाया हुआ है, ये आपकी दोस्त हैं सारी। मिली ये प्यारा करवाने लग गई। हाँ बोलो, कितनी अंगड़ाएंगे, क्या हुआ हैं। निन्नी आ रही है, सोनी को निन्नी आ रही है, लेट गई है, निन्नी आ रही है इसको बोलिए। चलो हम इसको सोने देते हैं, और यहाँ की लाइट भी बंद कर देती हूँ मैं, ताकि आराम से सो जाए हमारी मिली 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 मिली। और हम प्यार से इसको कांगो बोलते हैं, कांगो है कांगो। और यहाँ पे केरी भी आ गई है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो केरी भी आ गई वीडियो बनाने। अभी मैं यहाँ की लाइट बंद कर दूँ ताकि ये सो जाए आपसे मिली। और सूजी और ये जो है ना, दोनों यहाँ बैठ गई हैं डाइनिंग टेबल के नीचे। चुटकी भी आ रही है उधर से, वो आ रही वो आ रही वो आ रही, क्या आंखें भी चमक रही हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 होने वाले हैं, अभी अजान हुई है मगरिब की, हमने नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। अभी बस आप ही आएंगी यहाँ पे रोटी पकाने के लिए, सालन भी बनने वाला है, बस रोटी बनाएंगे और फिर हम खाना वाना खाएंगे। हम चाहते हैं आपको रेगुलर कुछ नया नया दिखाएं, लेकिन हम दिखा नहीं पाते, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है हम आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखे गोलगप्पे की पार्टी की थी, तो वो भी दिखाया था हमने आपको। हम जो भी कुछ नया करते हैं घर में, सेटिंग वगैरह या कुछ नई चीज़ लाते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं साथ में, कि ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग बने, आप लोग हमारे व्लॉग को शौक से देखें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारी वीडियो पूरी देखा करें।
देखें, कल हम सोडा वोदा लाए थे तो सोडा भी सारा हमने फ्रिज में रख दिया है सेटिंग करके। और यहाँ पे अभी क्या कहते हैं, केचप भी हमारी फिनिश हो गई है। ये चिली वाली केचप बची है और माइनीस भी हैगा, माइनीस भी है और ना चिली वाला केचप भी है। लेकिन ये वाला केचप जो है ना बिल्कुल ही थोड़ा सा रह गया, तो ये वाला केचप लाना है हमने, क्योंकि उरा विरा आती हैं तो वो बहुत शौक से ये वाला केचप खाती हैं और मिर्चों वाला तो दे नहीं सकते बच्चों को इसलिए, और मुझे तो केचप पसंद ही नहीं है। मम्मी फिर भी सबके लिए सारी चीज़ें ला के रखती हैं। ऊपर वाले में भी मैंने सारा सब कुछ जो है ना सेट करके रख दिया था, गोश वगैरह। और आज मैंने कूलर में पानी भी नहीं बनाया है, तो ये बोतलें देखें जमी हुई हैं, मैं बनाना भूल गई आज कूलर में पानी। और ये मेरी आप ही ने देखें मैंगो फ्रिज में रखा हुआ है जमाने के लिए, कि ये जम जाएगा तो फिर खाऊंगी बिल्कुल ठंडा ठंडा। इसमें उन्होंने तीली भी लाई हुई है कि कोई नरम रख के और मेरा सख्त जमा हुआ ना उठा ले। उन्होंने ये कल से रखा हुआ है कि बिल्कुल जमा हुआ खाऊंगी। अभी हमने अपनी बिल्लियों को खाना दिया है, इनको भूख लग रही थी। और हमारी केरी बाहर आते ही खेलने लग जाती है। और हमारी सूजी दाना नहीं खा रही है, इसको पसंद नहीं आ रहा है ये दाना शायद। अब खा लिया है इन्होंने, दाना समेटते हैं और फिर इनको अंदर लेके जाते हैं। अब ये पानी पी लिया तो हम इसको अंदर लेके चलते हैं फिर। चेरी जल्दी पी लो सोना, ये बैठ गया है, वहाँ जाके गेट खोलो। ले गई है, अब इसको भी ले जाते हैं। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग हमारा पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को एक महीना हुआ है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।